गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, एक और नए देसी अनबॉक्सिंग के अंदर आपका स्वागत है। अनबॉक्सिंग मेरे वर्ड्स कई बार इंग्लिश के भी, खासकर इंग्लिश के ही उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इनाल्सा का एक ओटीजी 10 लीटर वाला, ये वाला, ठीक है। ऑल दो इसको पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है, इसको यूज़ भी कर चुका हूँ मैं एक बार, जो ठीक ठाक लगा मुझे, मतलब कि हाँ कह सकते हैं कि जितना इसका प्राइस है, प्राइस के हिसाब से सही है। तो जल्दी से चलो अनबॉक्स तो मैं कर चुका हूँ इसको, डब्बा सब कुछ खोल कर रख लिया, सारा सामान बाहर है डब्बे के अंदर, कोई तो अनबॉक्सिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन लोग। जो ये इनाल्सा का आप देख रहे हैं बॉक्स, ये देखने में वैसे तो बड़ा लग रहा होगा, पर लेकिन जो इसके अंदर प्रोडक्ट है वो काफ़ी ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है। 10 लीटर का बहुत ही छोटा निकला, मेरे को उम्मीद नहीं थी। ऑल दो इसमें मेरा कद्दू कट गया, मतलब कि कहने वाली बात यह है कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना छोटा निकलेगा ये प्रोडक्ट, पर लेकिन धोखा हो गया एक। चलिए फटाफट से दिखाता हूँ मैं आपको। बॉक्स के अंदर निकला था, वो निकला था ये बच्चा, ये ओटीजी का बच्चा, और ये बेचारा मेरा बच्चा। तो अगर कायदे में देखा जाए तो ये ओटीजी का बच्चा बच्चों के हिसाब से तो है, पर लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखो तो बहुत ही छोटा, एक बिलांद का ये है, इसकी एक बिलांद भी नहीं है, मेरी उंगली ऊपर ज़्यादा जा रही है यहाँ से, और अगर ऐसे नापा जाए तो ये लगभग डेढ़ बिलांद का, तो डेढ़ बाई एक बिलांद का ये छोटा सा ओटीजी निकला था। ऑल्दो प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये बड़ी ही शॉकिंग प्राइसिंग होगी। 10 लीटर का ये है जिसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब दिया जा रहा है यहाँ पर, ये और यहाँ पर ये, इसमें टाइमर दिया जा रहा है आपको, तो आप टाइमर सेट कीजिए, टेम्परेचर सेट कीजिए और उसके बाद धड़ल्ले से इसको यूज़ कीजिए। क्यों बेटा नोनो है मेरे बच्चे, ऐसे ही होता है? चलो एक बार गन चला के दिखा दो, इतने में बात करता हूँ, आप इतने गन चलाओ, इतने पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, आप पे गन ही नहीं चलेगी, ठीक है। तो भैया ये बच्चा रिसीव हुआ था हमको, जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीछे जो पावर दी हुई है इसमें, यहाँ पे देखिए 800 वाट का इसका पावर है, और बात करें जैसे मैंने इसको यूज़ करा है, एक बार मैंने इसको यूज़ करा भी है, तो अच्छा खासा, मतलब कि जो है पनीर टिक्का वगैरह ये सब ग्रिल आइटम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ओवन ओटीजी मतलब ओवन टोस्टर ग्रिल, आप ग्रिल कर सकते हो, टोस्ट कर सकते हो कुछ चीज़ को, या ओवन भी कर सकते हो, बेक भी कर सकते हो। इसके कंटेंट की अगर बात करें तो एक तो वो डब्बा जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, वो डब्बा और उसके अंदर कुछ थर्माकोल के पीसेस, थोड़ी बहुत पन्नी वन्नी, ठीक है। तो ASMR हम नहीं कर रहे। अब इसके अंदर जो कंटेंट निकला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये हैंड ग्लव निकला था इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है कि गर्मा गर्मा आप नंगे हाथों से तो पकड़ोगे नहीं। दूसरा फिर इसके अंदर निकला था एक ये ओवन टोस्टर ग्रिल का इंस्ट्रक्शन और रेसिपी गाइड, इसके अंदर रेसिपी भी लिखी हुई है काफ़ी सारी, तो आप ट्राई कर सकते हो उसमें। दूसरा एक ये बेकिंग ट्रे निकली थी, तो माइक है नहीं तो आज थोड़ा सा इसी तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि माइक का बैटरी हो गई डिस्चार्ज। एक ये ट्रे निकली थी इसमें, इसको इधर रख देते हैं, और एक ये निकला था इसके अंदर ये रैक, तो ग्रिल वगैरह करने के लिए इस रैक को यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग के लिए ट्रे हो गई, तो कुछ इस तरीके का ही फंक्शन है आई गेस इसका। ऑल्दो इसके अंदर मैंने गार्लिक पोटैटो बनाए थे, बहुत सिंपल सा रेसिपी था उसका, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था उसका, तो मतलब कि ओवरऑल मैं अगर आउट ऑफ 5 इस प्रोडक्ट की बात करूं तो 5 में से 3 स्टार मैं इसको देना चाहूँगा। वो 3 स्टार इसके फंक्शनैलिटी वगैरह के लिए है, अच्छा खासा बेक करता है, और जितना टाइम है तो थोड़ा सा मेरे को टाइम में इशू लग रहा है, जैसे मैंने 15 मिनट इसमें डाला था तो 15 मिनट मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा है वो टाइम ले रहा है इसका टाइमर ऑफ होने में। दूसरी चीज़
जो इसके 2 स्टार कटे हैं वो धोखे के कटे हैं। धोखे का मतलब धोखा इन द सेंस कि जो अमेजोन पे मुझे दिखाई दे रहा था ये वो काफी बड़ा सा लग रहा था, पर 10 10 केजी का मतलब 10 लीटर का अगर इतना होता है तो मैं ठगा सा महसूस कर रहा था मैं उस दिन। इसी वजह से मैंने काफी दिनों से इसके लिए वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है इसको परचेज करे हुए। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये मुझे पड़ा सिर्फ मात्र 2200 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2200 रुपये में। इसके लिए अभी मैं कोई रेसिपी वगैरह बना के नहीं दिखाने वाला, आप खुद ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन है रेसिपी बनाने के, आप उसमें से ट्राई कीजिए, देखिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। पर लेकिन जैसे अगर बात करें तो एक आदमी का खाना आप इसमें बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। लो भाई।